हेलो जी, राम राम। आशा करते हैं आप सब ठीक हो गए और आपके अपने चैनल में आपका वेलकम है। तो बताइए कैसे हो आप। तो ये मैंने वीडियो क्लिप मतलब पहले की थी, ये मेरी 8वें दिन की अलवा खीर बनाई थी उस दिन। तो ये मैं पहले ऐड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मैं सो रही थी ऊँट के मींगने, मतलब ये जो मतलब गोबर बोलते हैं, ऊँट के मींगने बोलते हैं मेरे यहाँ। तो यहाँ मैंने भैंसों को नीर दिया था, मतलब चारा डाल दिया था। और ये मैंने शाम को 5 बजे स्टार्ट कर दिया था ब्लॉग। और यहाँ मैं मींगने जो सूख गए थे उनको मैं डालकर मतलब अलग से डाल दूँगी, और जो गीले थे वो मैंने साइड में सुखा दिया। जो सूखे हुए मैं दूसरे बट्ठल में डालूँगी। मेरे ससुराल में इसको तसले को बट्ठल बोलते हैं। तो यहाँ बट्ठल में मैंने डाल लिए थे सूखे सूखे। तो मैं इसको अंदर ले जाऊँगी सूखे को, और एक कट्टे में भर कर रख देंगे। मतलब इनको हम स्टोर करके रख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कम से कम 5-6 कट्टे भर कर रख रखे हैं मींगनों के, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है तो मतलब हमें बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इनको स्टोर करके रख लेते हैं यहाँ कट्टों में। यहाँ इधर 1-2 कट्टा यहाँ रखा है, बाकी दूसरी उसमें रखे हैं कट्टे भर भर के मींगनों के। तो अब मैं यहाँ भैंसों को चारा डालने जा रही थी दोबारा। तो हम इनको अच्छे से स्टोर कर लेते हैं, जैसे भी बारिश आएगी कुछ भी हो तो हमें लाना नहीं पड़ता है। ये हमारा बाथरूम है, यहाँ भैंसों को बांधा हुआ था, भैंसों को चारा डाल दिया था हमने, ऊँट को भी डाल दिया था। हम डालने जा रहे थे दोनों गोबर। और मैं यहाँ आ गई थी दादी के पास, दादी का पेट दर्द कर रहा था तो मैं यहाँ दादी को पेट दबा रही थी। राम राम, कैसे हो? और आई हो पास करते आप सब ठीक हो गए और मेरे चैनल में आप सबका वेलकम है। तो यहाँ मैंने बना ली है आलू की सब्जी, चूल्हे पर बन रही है देखो। देखो यहाँ आलू की सब्जी बन रही है चूल्हे पर, दूध रख दिया डालकर गर्म करने के लिए। और चूल्हे पर सब्जी बन रही है आलू की, देखो आलू की सब्जी बन रही है। और आटा भी मैंने लगा दिया है यहाँ। यहाँ हमारे देखो मिट्टी की परात यूज की जाती है ससुराल में, मिट्टी की परात यूज की जाती है। ये टोकरी है सब्जी वब्जी रखने के लिए। और पूजा ने दूध निकाल लिया है, तो चलो अब रोटी बनाएंगे हम, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और अभी रोटी बना लेते हैं, सब्जी बन चुकी, सब्जी बनने लग रही है। दूध गर्म रखूँगी थोड़ी देर में, रोटी बनाएंगे और फिर बच्चे खाएंगे, फिर देखते हैं दिखा पाते हैं नहीं शाम का रूटीन आपको। चलो ठीक है। भैंसों को दूध निकल के बस खाना वाना खा के खड़ी हैं, या चारा छूक रहा है तो भी बाहर खेलने गया हुआ है। और ये था सुबह का टाइम, कम से कम 5:30 हो गए थे। तो मैं अब सारी चारपाइयों को अंदर रख दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगा आने से पहले मैं इनको अंदर खड़ी कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। फिर बीच में झाड़ू छोड़कर फिर चारपाई उठा के रखनी पड़ती है। तो मैं पहले चारपाई को उठा के रख दूँगी और उसके बाद झाड़ू लगाने शुरू करूँगी मैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी बिस्तर मैंने उठा के रख दिए थे पहले ही, उसको मैं ऐड नहीं किया है। ये लो एक गाड़ी खड़ी है जिसमें हम सरसों वरसों लेकर आए थे। अभी गेहूँ निकले नहीं हमारे, गेहूँ निकल मतलब गेहूँ कटवा दिए हैं, निकले नहीं है, अभी निकल जाएंगे तो तूड़ी बाद में बनवाएंगे। रीपर से कटवाए हैं गेहूँ को, तो अभी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कटाई के भी बहुत पैसे लग रहे हैं और निकलवाने के भी बहुत पैसे लगेंगे, क्योंकि काटने वाला कौन है, काटने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सारी चारपाई अंदर रख दी थी। तो अब मैं लगा रही थी झाड़ू और ऊँट को चारा डाल दिया था। ऊँट एक साइड में खड़ा हुआ था तो मैं पहले ऊँट के साइड में झाड़ू लगा रही हूँ। या इधर आगे मैं आंगन में झाड़ू लगा के ले आई थी पहले ही। ये हमारी सासू माँ जी हैं, मतलब माँ है सासू माँ। तो ये माँ जी कुत्तों को रोटी डालने गई थी बाहर, कुत्ते और गाय को और कीड़ी मतलब कीड़ियों को आटा डाल लेती हैं, तो माँ बाहर वो डालने गए थे। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। और कम से कम भी 2 घंटे लग जाते हैं मैं झाड़ू लगाने में, क्योंकि घर बहुत बड़ा है। तो पहले इधर से झाड़ू लगाऊँगी, फिर वहाँ से लगाऊँगी, फिर अंदर कमरों में जाके झाड़ू लगाऊँगी। मैंने बाखड़ बार दी है, अब कुत्ते मारूंगी सारे। और ऊँट को चारा डाल दिया है, खा पी के खड़ा हुआ ऊँट। इधर भैंसों को भी डाल दिया है, और इधर माँ दूध निकाल दी, चलो आपको दिखाती हूँ। माँ निकाल दी दूध, दूध निकाल दी माँ सुबह का टाइम है ये। और मुझे दूध तो निकालना नहीं आता, बाकी मैं सब काम कर लेती हूँ। तो इधर माँ ने दूध निकाला, तो मैं इधर झाड़ू लगा थी, मतलब उधर साइड से तो झाड़ू लगाती थी। अभी कुत्ते बांधे थे भैंसों के, जहाँ भैंसों को बांधते हैं यहाँ झाड़ू लगा के, भैंसों को पानी वानी पिला के अच्छे से, और फिर इनको यहाँ बांध दूँगी।
पहले सारे मैं पूरे में झाड़ू लगा दूंगी। कम से कम 2 घंटे हमारे लग ही जाते हैं झाड़ू लगाने में, और कम से कम मतलब मैं 7 बजे लग जाती हूँ, 8 भी बज जाते हैं झाड़ू लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मकान बहुत ज़्यादा बड़ा है इसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। और ये देखो कितनी धूल उठ रही है, इसलिए मैंने चेहरे को कवर कर रखे है, क्योंकि धूप भी आ जाती है और फिर धूल मिट्टी हो जाती है, जिससे डस्ट से प्रॉब्लम हो जाती है जुकाम उखाम होने की, तो इसलिए मैंने पूरे मुंह को कवर कर रखे है। आपको देख ही रहे होगा कितनी धूल मिट्टी हो रही है। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। मैं बाहर दरवाजे के बाहर जो दरवाजे ना, वहाँ तो मैं लगाई आई थी पहले, वहाँ भी कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा दूँगी, सारे कुत्ते बाहर दूँगी, फिर भैंसों को पानी पिलाऊँगी और उनको नहलाऊँगी। बारी बारी काट दी, देखो पूरा घर साफ कर दिया है, भैंसों के खुट्टे भी बार दिए हैं, देखो साफ कर दिया बिल्कुल, देखो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे आपको, वहाँ भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। और उधर ऊँट के पास पर दिख सकते हैं आपको, ऊँट के पास बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, देखो ये ऊँट के पास देखो यहाँ ऊँट के पास बिल्कुल साफ कर रखे है, या मींगने और ये गोबर सुखा रखे है, इधर कूड़ा मैं डाल आई हूँ पूरा साफ करके, घर को पूरा घर साफ करके कूड़ा मैं डाल आई हूँ। बस अब क्या बचे हैं, भैंसों को नहलाना और पानी पिलाना ये करती हूँ, और अंदर गड्ढे भरने बचे हैं पानी के, और चूल्हे का काम बचा वो देखते हैं क्या करते हैं। अब फिलहाल तो मैं दादी के पास जा रही हूँ, दादी को क्या खाना पीना वो देखती हूँ, चाय मैंने पिला दी थी दादी को सुबह, और लाइट वैटिंग करानी है, और दादी देखती हूँ दादी के लिए जूस निकाल लेती हूँ जाके। चलो चलते हैं, और भी कमेंट करके बताया करो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और प्लीज़ प्लीज़ फुल सपोर्ट करा करो अभी, और ब्लॉग डालने में लेट हो जाती है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसे डाल नहीं पाती हूँ। तो चलो आगे मिलते हैं, क्या होता देखते हैं। तो आज का ब्लॉग, आज का रूटीन क्या होगा मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ, और देख के बताना, कॉमेंट करना ज़रूर भी कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, और प्लीज़ फुल सपोर्ट करा करो। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ। बाहर झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी अंदर कमरों में, मतलब अंदर वाले आंगन वाले अंदर कमरों में, तो यहाँ झाड़ू लगानी रही थी, तो मैं अब आ गई थी अंदर कमरे में झाड़ू लगानी, तो अब मैं यहाँ झाड़ू लगाई थी। ब्लॉग बोलते भी मुझे मतलब कितनी बढ़िया सोचा कि मैं काम नहीं करती बस वीडियो बनाती रहती हूँ, ये इतना आसान नहीं है। देखो ये पाथड़ी, तो बोलो पातड़ी सारे पत्ते धरने लगे इसके, हवा चल रही है। हाँ जी मैं धो रही हूँ बर्तन, और ये सारा काम करने के बाद ये सुबह के चाय के बर्तन थे जो मैंने अभी तक साफ़ नहीं करे थे, लेट हो गई थी, तो अब मैं बर्तन साफ़ करती थी चाय के, क्योंकि दादी को नहलाना भी था, जूस भी बना के पिलाना था, तो मैं पहले वो काम करने लगी थी। देखो वो काम सबसे पहले ज़रूरी था दादी का, क्योंकि देखो बड़े बूढ़े जब हमारा इंतज़ार करें, तो ये काम तो मैं बर्तनों वाला बाद में भी कर सकती थी, लेकिन दादी वाला काम करना ज़रूरी था, पहले जूस पिलाना दादी को, उसके बाद दादी को दवा भी देनी थी, तो इसलिए मैंने बर्तन धोने में लेट हो गई थी। मैं पहले दादी को दवा दी, उसके बाद दादी को जूस पिलाया, तो मैं यहाँ फटाफट बर्तन भी धो लूँगी, और अब मैं पिलाने लगी थी भैंसों को पानी, और मैं यहाँ हैंड पंप से पानी खींच रही हूँ। हमारे ये 9 फुट गहरा टैंक है, इसके अंदर ही पाइप डाली हुई है जिससे हैंड पंप से ही पानी खींच के निकालते हैं, तो यहाँ मैं भैंसों को पानी पिला रही थी। मैं पहले भैंसों को फटाफट पानी पिला लेती हूँ और फिर भैंसों को नहला दूँगी, तो मैं अब भैंसों को पानी पिलाने लगी थी जल्दी जल्दी पानी पिला के, और फिर मैं भैंसों को नहला लूँगी। और भी मैं ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ साथ में और वीडियो भी बनाती हूँ, मतलब ये तो लोगों की सोच का फ़र्क है, कोई अच्छा सोचता है कोई बुरा सोचता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ पूरा काम करने की और साथ में वीडियो बनाने की, मैं कोई खाली नहीं रहती हूँ, कभी ये सोचते हो खाली रहती है, सिर्फ वीडियो बनाती रहती है और डालती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिम्मत है तो हम दोनों काम साथ में भी कर सकते हैं, और मैं ये काम दोनों ही साथ में कर रही हूँ। देखो आराम में नहलाऊँगी भैंसों को, ऐसे नहीं है मेरी वीडियो कोई बना रही है, मैं वीडियो भी खुद ही बना रही हूँ और खुद ही मैं इसमें एडिटिंग कर रही हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये सोचने का तरीका होता है लोगों का
ये मतलब लोगों की सोच इतनी घटिया है, मतलब कुछ भी ऐसा सोचते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सोचो भी, सबके बारे में सोचो तो अच्छा सोचो। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं। देखो सोचने का तरीका होता है लोगों का, तो मैं अब उनकी सोच मैं नहीं बदल सकती हूँ। हिम्मत है तो करके देखो, सब करने करके देखो। और कोई कहता है पब्लिक नहीं है, अरे पब्लिक तो सब है। ऐसा किसने बोले हम पब्लिक नहीं है, सारी दुनिया पब्लिक है। शादी होते तो स्टेज प्रोग्राम सब कुछ होता है, तो गांव के लोग सब होते हैं वहाँ। क्या वो पब्लिक नहीं होते, सब अपने फ़ोनों